अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद एसके। मैं हूँ शबीना खान और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बीफ भुने मसाले की रेसिपी। इस बीफ भुने मसाले को हम लोग धुआंदार बीफ भुने मसाले बना के तैयार करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होता है, सबको बहुत पसंद आता है और इंशाल्लाह ताला जब आप इसे बनाएंगे तो आप भी इसके फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही जायके का होता है, इसको आप रोटी के साथ, चावल के साथ या फिर आप इसको रूखा ऐसे ही खा सकते हैं और उंगलियां चाटते रह जाएंगे जब आप इसे बनाएंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करने से पहले, आप चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह की आसान और मज़ेदार रेसिपी शेयर करती रहती हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसको कैसे बनाया गया है। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले ली है एक कढ़ाई, उसमें ऐड किया है सरसों का ऑयल। आप इसको सरसों के ऑयल में ही बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें दालचीनी का टुकड़े हैं छोटे दो, और दो छोटी इलायची है, दो लौंग है और दो तेज़पत्ते हैं। हल्का सा ऑयल गरम हुआ है, इसमें ऐड कर दिया है, चला देंगे इसको ताकि अपना जो भी फ्लेवर है वो ऑयल में रिलीज़ कर दें। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज मैंने यहाँ पर ली है, दो मीडियम साइज़ की हैं, इसको रफली कट कर लिया है, इसी में इस तरह से ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको भी। प्याज का कलर चेंज होने तक हमें इसको पकाना होगा, ये हल्की से नरम पड़ जाए, हल्का सा अपना कलर चेंज कर लेंगे तब बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इसको चलाते रहेंगे लगातार, और यहाँ पर जब ये हल्का सा कलर अपना चेंज कर लेंगे तब इसमें ऐड कर देंगे और चीज़ें, जिसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट के। तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कीजिएगा, क्योंकि भुना हुआ मसालेदार ये बीफ बना के तैयार करेंगे तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा अदरक लहसुन का टेस्ट, जो फ्लेवर आता है वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। इसको अच्छे से पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और ये इसमें जो अपनी एक कच्ची सी स्मेल होती है वो निकल जाए, क्योंकि इसका भुना होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये फिर आपको ये रेसिपी अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर अच्छे से अदरक लहसुन को पका लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है बीफ। बीफ मैंने थोड़ा सा फैट के साथ लिया है, बोन के साथ भी है। अगर आप इसको बोनलेस लेना चाहते हैं तो आप बोन मत ऐड कीजिएगा, और अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें जब बोन के साथ हम इसको पकाते हैं तो उसका एक अलग सा ही फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर मैंने एक बोन ले ली है, और उसमें मैंने जो ये बीफ लिया है उसकी जो पीस है उसको थोड़ा सा छोटे छोटे से कर लिया है, बहुत बड़े से पीस नहीं है। नॉर्मल जो पीस होते हैं उससे काफ़ी छोटे हैं, यानी कि जो नॉर्मल पीस होते हैं उससे 3 से 4 मतलब टुकड़े कर लिए हैं। उसको इसी तरह से इसमें ऐड कर दिया है, और यहाँ पर सॉल्ट ऐड किया है इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कीजिएगा, अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के बाद। इस तरह से यह कलर चेंज कर लेगा और थोड़ा सा प्याज वगैरह जो है वो काफ़ी नरम पड़ जाएगी। तब यहाँ पर इसको अच्छे से भून लेंगे, और भूनने के बाद इसको हल्का सा पानी इसमें ऐड करेंगे, इसको हमें गलाना होगा। तो अगर आप चाहते हैं तो इसको आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाएगा, लेकिन मैंने इसको खुली हुई कढ़ाई में बनाया है तो इसको लगभग बनने में करीब 25 से 30 मिनट मुझे लग गए थे इस तरह से गलाने में। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको कवर करके छोड़ दिया था, तो 20-25 मिनट के बाद ये इस तरह से नज़र आएगा। तो मैंने इसको बीच बीच में 2 से 3 बार इसको चलाती रही हूँ, चेक करती रही हूँ, और जब इस तरह से खुला बर्तन में बनाते हैं ना तो इसका जायका भी कुछ अलग होता है जब प्रेशर कुकर वगैरह में हम लोग कोई चीज़ बनाते हैं। तो मैं इसको जब भी बनाती हूँ तो मैं इसी तरह से खुले बर्तन में और बिल्कुल स्लो आंच पे इसको गलाना पसंद करती हूँ। तो इस तरह से जब ये गल जाएगा, भुन जाएगा, तब मैंने इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड किया है मैंने, और इसके बाद मैंने 1 टीस्पून धनिया का पाउडर ऐड किया है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा पानी डालेंगे, क्योंकि जो मसाले हैं वो बिल्कुल सूखे हैं, लग ना जाए नीचे से। सारे मसाले जब जल जाते हैं तो उनका फ्लेवर चेंज हो जाता है, तो इसमें हल्का सा पानी ऐड कर देंगे, और जब ये पकने लगेगा इस तरह से तो इसमें ऐड करेंगे 2 टमाटर है मीडियम साइज़ के, उसको भी मैंने रफली कट कर लिया है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसको कट कर सकते हैं, उसमें ऐड कर दीजिएगा। इसको भी अच्छे से टमाटर जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तब इसमें ऐड कर देंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, 1 से 2 पीस में कट कर ली हैं, इसी तरह से इसमें ऐड कर दें। आप चाहे तो इसमें बारीक कट करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से जब ऐड करते हैं तो फ्लेवर तो आ जाता है, लेकिन ये जब अक्सर खाते हैं तो जिनको मिर्च पसंद नहीं है तो वो मुँह में आती है तो फिर बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। तो इस तरह से अगर आपको मिर्च पसंद नहीं है, सिर्फ फ्लेवर चाहते हैं, तो आप इस तरह से इसमें ऐड कर दीजिएगा, वरना आप इसको
छोटा छोटा सा, अगर आप चाहते हैं मिर्च के साथ तो आप इसको छोटा सा कट करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। भून लेंगे इसको 2-3 मिनट, उसके बाद थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे ताकि जो मसाले टमाटर वगैरह हैं अच्छी तरह पक जाए। पकने के बाद इसको फिर अच्छे से भूनेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें पानी डाल के इसको 2-3 मिनट कवर करके इसी तरह छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे। जब इस तरह से ये भुनने लगेगा तब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे एक बारी और, ताकि ये जितने भी मसाले हैं टमाटर हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं, अपने फ्लेवर रिलीज़ कर दें इसमें। और ये बहुत ही मज़े का बन के तैयार होगा। जब आप इस तरह से भुना हुआ बीफ धुआँदार बना के तैयार करेंगे तो जिसके आगे भी आप सर्व करेंगे वो इंशाल्लाह ताला आपके फ़ैन हो जाएंगे और आपसे बार बार इसी तरह से बनाने की डिमांड करेंगे। तो उसके बाद जब ये मसाले अच्छे से भुन गए हैं तो मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा दही ऐड किया है, दही को भी अच्छे से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद जब ये इस तरह से पकने लगा है तब फिर मैंने इसको यहाँ पर गैस को ऑफ कर दिया है, इसको अच्छे से भून लिया है उसके बाद। और यहाँ पर मैंने ऊपर से इसमें हरा धनिया ऐड किया है, एक नींबू का स्लाइस ऐड कर दिया है। और इस बीफ भुने मसाले को धुआंदार बनाने के लिए इसमें सबसे पहले एक कटोरी रखेंगे और एक चारकोल को गर्म कर लेंगे अलग से, और यहाँ पर इसमें रखकर हल्का सा ऑयल डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि इसका जितना भी जो फ्लेवर है चारकोल वगैरह का वो अच्छे से इसमें समा जाए। बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, आप इस तरह से बीफ भुने मसाला ज़रूर बनाइएगा और स्पेशली आप धुआंदार इसको ज़रूर बनाइएगा। जब आप इसको इस तरह से स्मोकी फ्लेवर देते हैं ना तो बहुत ही ज़बरदस्त आपका ये बन के तैयार होगा। आप इंशाल्लाह ताला आप जब इसको बनाएंगे तो आप इसको रूखा ही इस तरह से खाना पसंद करेंगे और बिल्कुल जब आप खाएंगे ना तो इसकी उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। वाकई ये बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। तो मैं इसको जब कभी भी बनाती हूँ तो इस तरह से खुले हुए बर्तन में ही बनाना पसंद करती हूँ, तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ। जब बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो तो कभी कर भी लेती हूँ, लेकिन उसमें जो टेस्ट का फ़र्क आता है ना वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो कभी इस तरह से आप खुले हुए बर्तन में इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे गलाते हुए इस तरह से धुआंदार भुना हुआ बीफ मसाला बना के तैयार कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा और सबको बहुत पसंद आएगा। जिसको भी आप ये खिलाएंगे उनको भी बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा, सबको पसंद आता है। आपको कैसा लगा मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। और यहाँ पर मैंने आपको ये दिखाया है कि देखिए कितना अच्छे से ये गल जाता है। तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन इसको जब आप इस तरह पकाएंगे तो इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो यहाँ पर इसके मैंने यहाँ पर एक प्याज की स्लाइस ले ली है और उसमें मैंने एक इस तरह से बोटी उठाई है और उस पर रख देंगे, और थोड़ा सा नींबू का जो इसमें स्लाइस पहले से ऐड किया था, क्योंकि इसमें भी जो एक धुएँ का फ्लेवर आता है ना बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। कभी इस तरह से आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला। और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। मैं इंशाल्लाह ताला इसी तरह की और भी आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नई अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और कुकिंग विद SK चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। We'll be right back.